नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी टू नारायणी एपिसोड में इस दिव्यांग न्यूज चैनल पे मैं उषा जाडावाला आप सबका भाव बिना स्वागत करती हूँ। बहनों, कहते हैं कि टेरेस पर एक पत्थर रखा हो, यानी कि आपकी अगासी पर एक पत्थर पड़ा हो, तो आप सहलाई से उसे नीचे फेंक सकते हैं, एक पैर लगाकर हाथ लगाकर नीचे फेंक सकते हैं। मगर जब उसी पत्थर को ऊपर ले जाना हो तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। समझ गए ना मेरी प्यारी बहनों, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मुझे यही कहना है कि जिंदगी में हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ समस्या का, कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तभी हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। और नारी तो नारायणी एपिसोड में हम यही बात आपको कहते हैं, यही मोटिवेशनल एपिसोड है जिसमें हम आपको ऐसी ऐसी महिलाओं को रूबरू कराते हैं जिन्होंने कुछ संघर्ष किया हो, कुछ समस्याओं का सामना किया हो और फिर ऊपर ऊंचाइयों सर करी हो। तो आज हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसी एक महिला से जो है सोशल वर्कर श्रीमती स्नेहलता जी। स्नेहलता जी, आपका दिव्यांग न्यूज चैनल पे इस नारी तू नारायणी एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया ये नारी टू नारायणी एपिसोड जी में, और ये सूर्य दिव्यांग न्यूज चैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए उषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू स्नेहलता जी, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए और हमारे दर्शक मित्रों के साथ आपका अनुभव शेयर करने वाले हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है, हमारे दर्शक मित्रों के, हमारे बहनों को भी बहुत बहुत खुशी है। स्नेहलता जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतना सारा सोशल वर्क कर रही हो तो उसमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? अच्छा, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तभी मैं देख रही थी, हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर आते थे, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, और मैंने मेरा करियर ही शुरू किया था सोशल वर्क से। फिर बीच बीच में थोड़ा कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया और वापस मैं सोशल वर्क में ही आ गई। यानी बचपन से ही आपका एक ड्रीम रहा था। कहीं कहीं ड्रीम रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, वैसे आपका भी एक ड्रीम था कि मैं सोशल वर्कर ही बनना है। और वो स्कूल में जो लोग आते थे उससे आपको प्रेरणा मिली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि कुछ करने को आपको प्रेरणा मिली। हाँ, वो तो सच है, आपको पता है ना, वो महात्मा गांधी जी ने भी बचपन में एक ड्रामा देखा था राजा हरिश्चंद्र का, और उससे उनके जीवन में इतनी प्रेरणा मिली कि वो सत्य के प्रयोग करे और सत्य के आग्रही बन गए। वैसे ही मैं तो आपको कहूँगी कि आपको भी ऐसी प्रेरणा मिली और आप सेवा प्रवृत्तियों में आगे बढ़े। अच्छा, तो स्नेहलता जी, आप किस प्रकार की सेवा अभी कर रहे हो, किस टाइप की, हमारे दर्शक बहनों को भी बताइए। फिलहाल हमारा सुरचना एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो एनजीओ है, जो हमने शुरू किया है, और उसके जरिए हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसे समुदाय के साथ काम कर रहे हैं जो लोगों उसे तिरस्कार की नजर से देख रहे हैं। तो उसमें बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर सरकारी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। महिलाएं एक तो बहुत बढ़िया काम है कि जो बच्चों स्कूल में नहीं गए उनको पढ़ाते हैं। दर्शक बहनों देखो, ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। हम कभी कभी विचार करते हैं कि हम महिला है, हम नारी है, हमें फैमिली में से एक शायद जॉब करने की परमिशन मिले ना मिले, घर पर बैठकर क्या करें, तो ये भी बहुत अच्छी है। और मन में एक सेवा करने की तमन्ना हो तो जरूर यह फलीभूत होती है, जैसे स्नेहलता जी ने किया कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे उनको आपने पढ़ाया। तो फिलहाल हमारी 6 सेंटर है जी, अलग अलग झोपड़पट्टी में जी, और वो 6 सेंटर के जरिए 300 बच्चों के करीबन हम पढ़ाते हैं और स्कूल में दाखिल करवाते हैं। तो आप कब तक पढ़ाते हैं उनको?
हम ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान का सिलेबस लेते हैं. हम 2-3 साल उसे पढ़ाते हैं. एक बार उसे पढ़ना लिखना आ जाए तो डायरेक्टली उसे सेकंड स्टैंडर्ड की थर्ड स्टैंडर्ड में रख देते हैं. तो ऐसे एडमिशन मिल सकता है? हाँ हाँ, वो हमारे टीचर रखे हुए हैं. वो भी जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, बात करते हैं और फिर उसे दाखिल कर देते हैं. ये तो बहुत अच्छा काम है. मैं आपको अभिनंदन देती हूँ कि आप जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते उनके लिए इतनी केयर करते हो. सचमुच प्रशंसनीय कार्य है. और फिर मैंने सुना है कि आप कुछ पुलिस में भी कुछ ऐसा, मैंने एक समाचार सुना था कि आप पुलिस के लिए भी कुछ काम कर रहे हो. तो वो पुलिस के लिए आप क्या काम करते हो? पुलिस का ऐसा है कि वो जेंडर रिसोर्स सेंटर का प्रोग्राम है, जेंडर सेंसिटिविटी का जी, जो महिला और बाल विकास विभाग के जरिए होता है. तो उसमें मैं एक कंसल्टेंट हूँ और पुलिस को हम ट्रेनिंग देते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन का. पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं? तो महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि जो महिलाएं पुलिस स्टेशन आए फरियाद करने, उसके साथ वो सेंसिटिविटी से काम करे, क्योंकि वही एक है. हमारा समाज वैसे भी पुरुष प्रधान समाज है जी जी, और फिर पुलिस के पास तो और सारी सत्ताएं रहती है. तो हमारा ये है कि पुलिस में सेंसिटिविटी आए महिलाओं के जरिए, कि वो कोई भी फरियाद लेके आए तो उसे समझे, उससे अच्छे से बात करे, तो वो महिला थोड़ा अच्छा फील करेगी, तो वो उसको कॉन्फिडेंट आएगा पुलिस स्टेशन जाके कुछ अपनी ज़रूरत है कि उसे कोई संघर्ष हो रहा है घर में कि लोगों के साथ, तो वो बता सके. तो वही वैसे हम पुलिस के नाम से बहुत डरते हैं, सच बात है. और पुलिस स्टेशन जाने से भी बहुत घबराते हैं कि भाई क्या होगा. वो तो है, सामान्य जनता में एक डर बैठा रहता है. तो इसीलिए हम पुलिस स्टेशन में ये जेंडर सेंसिटिविटी का, कि ये भी है कि महिला पुलिस के साथ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है डिपार्टमेंट में, तो वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है. और जो पुलिस महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो भी है, तो ये सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है पूरा. अच्छा अच्छा, इससे कुछ इफेक्ट होता है लगता है? हमें तो लग रहा है कि होता है. अच्छा अच्छा. और बहुत सारे पुलिस महिला वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग दी हुई है. वो करीबन 500 गांव जो है सूरत डिस्ट्रिक्ट के, वो सब में से महिला जो वॉलंटियर्स है, पुलिस वॉलंटियर्स, उसको भी ट्रेनिंग दी हुई है. ये भी बहुत सराहनीय काम है कि पुलिस को भी इस टाइप की ट्रेनिंग दी जा सकती है. शायद हमारी दर्शक मित्रों ने, हमारी बहनों ने पहली बार सुना होगा. और ये बहुत कोऑपरेटिव है. अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, ये सब में सब सुविधा उपलब्ध करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव. ये तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है. पुलिस भी इनमें सपोर्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है. और हाँ, तो स्नेहलता जी, हमें तो आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप पुलिस को भी एक अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हो कि जो महिलाएं आती है उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. नारी में कितनी शक्ति भरी पड़ी है बहनों, देखो क्या क्या कर सकती है वो. ऐसा नहीं है कि हम महिला है, चलो हम तो नारी है, हम कुछ नहीं कर सकते. ये बहन जी स्नेहलता जी ने तो पुलिस को भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, तो हम क्या कर सकते हैं. ईश्वर ने हमें बहुत शक्ति प्रदान की है. समस्या आए तो ऐसा मत समझना कि अभी हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं. समस्या आती है तो ये कहकर आती है कि अब तुम्हारे में छिपी हुई शक्ति को, टैलेंट को बाहर लाइए. बराबर ना स्नेहलता जी? बहुत सही. तो वो शक्ति बाहर आने का एक उद्देश्य होता है, तभी तो हम नारी पावरफुल कहनाती है ना. इतनी नारी तू नारायणी. और आज सांप्रत प्रवाह की नारी तो कह कितनी 16 कला से खेली हुई है, कितना कुछ करती है. अच्छा स्नेहलता जी, अभी हमने आपके कुछ HIV प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना है, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को बताइए. हाँ उषा जी, इसमें ऐसा है कि HIV प्रिवेंशन का एक प्रोग्राम चल रहा है. वो बहुत सालों से चल रहा है, करीबन 20 साल होने आए, 20 साल से ज़्यादा जी.
और उसमें ऐसा पाया गया है कि कोई कोई जूथ ऐसा है, समुदाय ऐसा है जिसमें एचआईवी की मात्रा ज्यादा पाई गई हुई, तो वैसे एक समुदाय है वो गे समुदाय है, तो फिर हम गे समुदाय के साथ काम कर रहे हैं जो वैसे एमएसएम शब्द से प्रचलित है एचआईवी प्रोग्राम में, तो हम एमएसएम के साथ काम कर रहे हैं जो अभी ट्रांसजेंडर ऐसा नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी जी, तो वहाँ पे हम एचआईवी प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं और जो पॉजिटिव है उसे एचआईवी पॉजिटिव है उसे जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले उसके लिए हम सक्रिय हैं। हाँ, जनरली हम लोग एचआईवी की बात आते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं, और उसमें आप क्या क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है आपके? ये प्रोग्राम ऐसा है कि हमें जो ट्रांसजेंडर है उसको संपर्क करना होता है, आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ है? जो हमारा स्टाफ है वो ट्रांसजेंडर हमने लिए हुए है हमारे स्टाफ, तो वो स्टाफ एक दूसरे को पहचानते हैं, अच्छा, फिर उसे समझाते हैं, उसका काउंसलिंग किया जाता है, फिर उसे अस्पताल ले जाके उसका एचआईवी टेस्टिंग करवाते हैं, और फिर नेगेटिव है तो उसे क्या तकेदारी रखनी है और एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे क्या करना है, वो सब काउंसलिंग किया जाता है और उसका फॉलोअप रेगुलर फॉलोअप करते रहते हैं चीज़ा कि अभी वो नेगेटिव है तो भविष्य में वो पॉजिटिव ना बनना चाहिए, और जो एचआईवी पॉजिटिव है तो वो और किसी को पॉजिटिव ना बनाए, वो हमें देखना रहता है। ये भी बहुत अच्छा अवेयरनेस का एक काम है। हाँ जी 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 जी, जी। तो दर्शक मित्रों ये भी बहुत अच्छा मैसेज है, तो अगर आप भी किसी एचआईवी संपर्क में आए, हाँ संपर्क में आए, अगर आप भी जानते हो तो आप भी आप लोगों का कांटेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी समाज का बचाव कर सकते हैं। हाँ। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ अभी एचआईवी पेशेंट की मात्रा बढ़ रही है, ऐसा है कुछ पहले से ज़्यादा इस दायके में ज़्यादा है कि कम हो रही है? आप इस प्रोजेक्ट में हो तो आपको ख्याल होगा, वो भी हमारे दर्शक मित्र को बताइए। हाँ जी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कम हो रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि जो अभी पॉजिटिव है उससे ज़्यादा पॉजिटिव न बने, तो उसके लिए हम सक्रिय है, और मैंने जो पहले बताया वैसे कई जूथे ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी पाई गई है और उसके लिए तो हमें काम करना ही रहा है, फिलहाल भी काम तो चालू ही है क्योंकि ये जो एमएसएम ग्रुप है उसमें थोड़ा ज़्यादा पाया गया है, तो उसके साथ काम करना जरूरी रहता है। ये काम आप सूरत में ही करते हैं कि पूरा? हमारी संस्था सूरत में कर रही है, पर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सूरत में भी कर रही है और गुजरात में और पूरा इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है, ये नैको का प्रोग्राम है तो ये पूरा इंडिया में चल रहा है। आपको सूरत से बाहर जाना पड़ता है कहीं इस प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अनुलक्ष्य? हाँ, उसके जो कोई कॉन्फ्रेंस है कि उसका कोई ट्रेनिंग है कि वर्कशॉप है तो हम जाते हैं, बाकी तो हम यहाँ पे ही काम कर रहे हैं। सूरत में कितना रेशियो होगा लगभग लगभग ऐसा कुछ? हाँ दर्शक मित्रों, तो स्नेहलता जी एचआईवी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा न ज़्यादा फैले अभी समाज में। तो हमारे दर्शक मित्रों की ओर से और मेरी तरफ से के भी आपको मैं अभिनंदन देती हूँ कि समाज के लिए आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो, नहीं तो जनरल एचआईवी पेशेंट को देखकर लोगों दूर हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है, उसके लिए भी काम करने वाले ज़्यादा है। जैसे पहले मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों के कितना सेवा की, पहले उन लोगों को भी कितना अछूत समझ के कितना होता है, एक मदर टेरेसा थी, सेवा स्वरूप शक्ति थी एक, तो उन्होंने भी ये काम किया और आज कुष्ठ रोगियों के लिए भी कितना संस्थाएं हो, हमारे कितने एनजीओ है जो उसमें वर्क कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और हमारा तो समाज के प्रति यही फर्ज है और यही काम है कि जो नीडी पर्सन है उसको तो सहाय करे, साथ में हेल्दी भी रहना है, तो समाज को भी हेल्दी रखने के लिए ये सब प्रवृत्तियाँ जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है। और बहनों
हमें भी टाइम मिले, जो कुछ मिले उसमें हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सच है कि हमें परिवार संभालना है, हमारे बच्चों की कैरियर बनानी है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। मगर एक पड़ाव जीवन में ऐसा भी आता है कि जब हमें कुछ टाइम मिलता है, कुछ हमारी जवाबदारियों में से हम मुक्त हो जाते हैं और जवाबदारी के अंतर्गत भी कुछ न कुछ टाइम बचता है, तो ज़रूर हम ऐसे वैसे टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ न कुछ अच्छा काम करें, बिताए। अच्छा, और वो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक भी अच्छा सा अभियान चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या है, हमारे दर्शक मित्र को कुछ अच्छा सा मैसेज दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो अभियान तो सच में बहुत तारीफ वाला काम कर रहे हैं सब संस्थाएं। मेरा संदेश ये है कि बहनें जो भी है पर अपना अभ्यास ना छोड़े, अपना शिक्षण करें, बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे जाके पीढ़ी कैसी होगी। तो भविष्य का सोचें, बच्चे को अच्छे से पढ़ाए और बच्चे पढ़ेंगे तो समाज पढ़ा हुआ होगा और देश पढ़ा हुआ होगा। वो तो ये जरूरी है कि एजुकेशन हो, हर घर में एजुकेशन हो। बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत जरूरी बाबत है। और मैं तो ये भी वहाँ तक कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए, ऐसा मत सोचिए कि उसे तो शादी करनी है और वहाँ जाकर किचन संभालना है, इतना ज़्यादा पढ़ाकर हम क्या करेंगे। कुछ अभी तो बहुत डेवलप हो गया है मगर अभी भी कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ नहीं पढ़ाया जाता। और उन बच्चों को तो आप पढ़ाते हैं तो आप तो काफ़ी माहितगार है कि कहीं कहीं जगह बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, मगर पढ़ाते हैं और कुछ बाद में ही शादी करके पढ़ाते हैं तो 3-4 कक्षा तक भेजते हैं। मगर बहनों, हाँ दर्शक मित्रों, ये जरूरी है कि हम हमारी बेटियों को पढ़ाए, क्योंकि स्नेहलता जी इसमें भी ऐसा है कि बेटी पढ़ेगी ना तो दो परिवार संभालेगी, ठीक है ना। एक तो अपना महका महकाएगी और ससुराल में जाकर वो भी वहाँ भी अच्छा मान सम्मान होगा उसका, क्योंकि उसके कार्यों से उसका कुछ अनुकरण होगा। तो बेटी को तो जरूर पढ़ाना चाहिए। और साथ में आने वाली तीसरी भी बेनिफिट है कि अपने बच्चों को भी वो अच्छी तरह से पढ़ाएगी। तो आपने अच्छा संदेश दिया कि बेटी को पढ़ाइए। आप जिस एरिया में जाते हैं वहाँ कन्याओं के लिए शिक्षा कैसी होती है? शिक्षा मतलब वो लोग जाते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते हैं। अच्छा, मम्मी बहुत सारे फैमिली ऐसी है कि जी सिंगल पेरेंट है और मम्मी है वो सुबह में निकल जाती है काम करने के लिए, बच्चे ऐसे ही घर पे है तो वो कुछ ना कुछ कमा लेते हैं और कुछ ना कुछ चुनते रहते हैं, बेचते हैं और फिर बस वही है उसका, वो कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ते नहीं है। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है, कर रही है, उस एरिया तक नहीं पहुंच पाता ऐसा है। ये जो एरिया है वो ऐसा है कि वो स्लम एरिया है जी। तो वहाँ पे स्कूल तो है हाँ, पर बच्चे क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं है और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो स्लम एरिया में ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, शिक्षण की मात्रा वहाँ कम है, स्कूल है, गवर्नमेंट काफी प्रोत्साहन दे टीचर से, मगर अगर बच्चे ही नहीं जाएंगे तो फिर शिक्षण कैसे आगे बढ़ेगा। और उसी जगह आप काम कर रहे हैं जी, तो मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ कि आप ऐसे एरिया में काम कर रही हो कि जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं फिर भी आप पढ़ाते हैं और उसको स्कूल में दाखिल करते हैं। सचमुच स्त्री में कितनी शक्ति बड़ी बड़ी है, उसको तक मिलनी चाहिए, सही ना। स्त्री को मिली हुई तक को वो सुवर्ण तक बना देती है ना, बराबर है ना। और आप भी ये तक को एक सुवर्ण तक बना रही हो। और जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, आगे आके पढ़ते हैं, फिर आपको मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कहीं कोई ऐसा एग्जांपल हो तो दो कि किसी को आपने अप्रिशिएट किया हो
और बाद में वो आए, ऐसा कुछ हमारे दर्शक मित्रों का ऐसा कोई उदाहरण दो। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े हैं और मान लो वो कॉलेज तक तो नहीं गए हैं, पर उन्होंने कुछ न कुछ ट्रेड तो सीख ली है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है कि ऐसा कुछ कोर्स तो सीख लिया है, ऐसा डिप्लोमा ऐसा लिया हुआ है। और वो बच्चे अभी जो उसकी पहली जिंदगी थी कि उसकी मम्मी के पापा के साथ वाली जो जिंदगी थी, उससे तो थोड़ी बेहतर जीवन ही जी रही है, तो वो एक बहुत आनंद देता है और संतोष देता है कि चलो हमारे काम से कोई जिंदगी में थोड़ा सुकून सा जी रहे हैं। चलो, तो वो एक और वो देखकर तो आपको काफी खुशी होती है। अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो। तो बहनों, स्नेहलता जी का यही मैसेज है कि जो वो काम कर रही है स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने का, तो आप भी अपने बच्चों की कैरियर बनाने के लिए जरूर शिक्षा दीजिए हमारा, और हेल्दी रहिए। तो बहनों, आज हमने हमारे नारी टू नारायणी एपिसोड में यह अच्छी सी एक महिला को आपको रूबरू कराया, स्नेहलता जी हमारे दर्शक मित्रों की ओर से और मुझ हमारी ओर से, कि आप नारी टू नारायण एपिसोड का एक हिस्सा बने, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे दर्शक मित्रों को भी यही कहती हूँ कि उन्होंने जो मोटिवेशन दिया है, जो एड्स के बारे में, जो शिक्षा के बारे में, जो पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में, बहुत कुछ की करते हैं आप, तो जो भी दिया है उसमें से हम भी कुछ प्रेरणा ले और कुछ ना कुछ करते रहिए। तो हम आज का इस एपिसोड आपके साथ इस बातें शेयर करते करते कहाँ टाइम निकल गया पता नहीं चला। तो दर्शक मित्रों, नारी टू नारायणी एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक महिला से रूबरू करा के। तो स्नेहलता जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। दर्शक मित्रों, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए और हंसते रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।